धागा क्रिएशंस बाय नीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कढ़ाई या एम्ब्रॉयडरी से संबंधित कुछ ज़रूरी चीज़ों के बारे में देखेंगे और उनका उपयोग करना सीखेंगे। इसके लिए हमें चाहिए एक कपड़ा। ये कपड़े की लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। वो इस चीज़ पर निर्भर करेगा कि किस में आपको क्या बनाना है, हैंकी बनाना है कि टेबल क्लॉथ बनाना है। उस हिसाब से आप कपड़े की लंबाई चौड़ाई डिसाइड कर सकते हैं। आज हम इस प्रकार के सफ़ेद कपड़े पे अपनी एम्ब्रॉयडरी सीखेंगे। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये फ्रेम। ये फ्रेम अलग अलग साइज़ के होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। ये है हमारा छोटा फ्रेम जो कि किसी छोटे डिज़ाइन के लिए यूज़ हो सकता है। ये है हमारा बड़ा फ्रेम जो कि बड़े डिज़ाइन के लिए यूज़ होगा। फ्रेम का साइज़ आप अपने डिज़ाइन और अपने कपड़े की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। फ्रेम कपड़े में कुछ इस तरीके से लगता है। छोटा वाला हिस्सा नीचे रखेंगे, कपड़े को कस करके पकड़ लेंगे और ये बड़ा वाला हिस्सा उसके ऊपर कुछ इस प्रकार फिट करेंगे। ये देखिए, अब हमारा कपड़ा पूरी तरीके से सपाट हो गया है और हमें एम्ब्रॉयडरी करने में बहुत आसानी होगी। अगर आपको फ्रेम लूज लग रहा है तो इस तरीके से दबा करके इसको हम टाइट या लूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद हमें चाहिए धागे। यहाँ पे अलग अलग तरीके के, अलग अलग रंगों के धागे आप देख सकते हैं। अपने डिज़ाइन और अपने मन पसंदीदा कलर आप चूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन के हिसाब से। यहाँ पे मैंने एंकर के धागे सेलेक्ट किए हैं। उसके अलावा हमें चाहिए सुई, कैंची, कार्बन पेपर और ट्रेसिंग पेपर। यहाँ ट्रेसिंग पेपर का इस्तेमाल आप डिज़ाइन को छापने के लिए कर सकते हैं। आप कहीं किसी किताब में, इंटरनेट से आप डिज़ाइन छाप सकते हैं ट्रेसिंग पेपर पे, और कार्बन की मदद से उसको कपड़े पे अपने कॉपी कर ले। ये आपकी इच्छा है कि आप डिज़ाइन ट्रेस करना चाहते हैं कि आप अपने फ्री हैंड ड्राइंग करना चाहते हैं। आज के लिए मैंने ये हैंकी लिया है, सफ़ेद रंग का हैंकी। अपनी आप लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसके किनारे आप बाद में मोड़ लीजिएगा। यहाँ पे मैंने ये डिज़ाइन चूज़ किया है, ये फूल का डिज़ाइन है। हैंकी में ज़्यादातर डिज़ाइन किनारे पे बनता है। आप चाहें तो आप बीच में भी डिज़ाइन बना सकते हैं या अलग अलग दूरी पे अपने हिसाब से ये डिज़ाइन बना सकते हैं। आज मैं ये डिज़ाइन किनारे पे बनाऊंगी। डिस्टेंस अपने उंगलियों से अंदाज से नाप लें, डिज़ाइन को जहाँ बनाना है वहाँ रख लें और उसके नीचे इस तरीके से ट्रेसिंग पेपर लगा लें, सॉरी कार्बन पेपर लगा लें। पेंसिल की मदद से इसको बहुत धीरे धीरे पेशेंस के साथ ट्रेस कर लें। ये देखिए, ये हमारा डिज़ाइन छप करके तैयार हो गया है। इस धागे के आप कॉर्नर को पकड़ लें, जितना लंबा धागा चाहिए उतना लंबा आप अपने हिसाब से निकालें और कैंची से वहाँ तक काट लें। उसके बाद इस धागे में इस तरीके से 6 धागे मिले हुए होते हैं। ज़्यादातर एम्ब्रॉयडरी 2 धागों से की जाती है इस तरीके से। आपको 2 धागे अलग कर लेने हैं। ये खींचिए, ये हो गए हमारे 2 धागे अलग। इसको रख लेना है, इसमें से बाद में हम 2-2 धागे करके यूज करेंगे। इस 2 धागों को हम एक पतली सुई में डालेंगे और एम्ब्रॉयडरी अपनी शुरू करेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कृपया कमेंट बॉक्स में हमें लिख के दें कि आगे के वीडियोस में आप क्या देखना चाहेंगे, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं जिससे कि आप हमारे नए वीडियोस के अपडेट को मिस ना करें।